नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में, मैं आपके साथ आदर्श। खबर रीवा जिले से है, जहां व्यापारी संघ ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर तिब्बत, हिमाचल, अन्य राज्यों से सीजनल व्यापार करने वाले व्यापारियों को हटाने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा है कि बाहरी व्यापारियों के आ जाने से स्थानीय व्यापारियों का रोजगार चौपट हो जाता है, जिसके चलते नगर निगम ऐसे व्यापारियों को परमिशन न दे जिससे कि लोकल फुटकर व्यापारियों को नुकसान हो। आइए आपको सुनाते हैं, व्यापारी संघ ने बाहर से आने वाले व्यापारियों को हटाने के लिए क्या मांग की है। हम लोग व्यापारी कई सालों से जैसे व्यापार कर रहे हैं, पर कुछ सालों से जैसे कोरोना काल में बहुत मंदी का दौर रहा, उसको झेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ समय से ये तिब्बत मार्केट, हिमाचल मार्केट और कई सेल के नाम से बाज़ार खुल जाती है। अभी जो मंदी का दौर ख़त्म हुआ है, अब हम लोगों का व्यापार शुरू होने वाला है ठंडी का, तो उस विषय में हम लोग आज कलेक्टर महोदय से, माननीय मंत्री जी से मुलाकात करके हम लोगों को बर्बाद होने से बचाया जाए। ये सेल के नाम पे आकर दो महीने लूट के चले जाते हैं, इनको यहाँ रखने ना दिया जाए और हम लोगों का व्यापार बचाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स, बिजली का बिल, यहाँ लोगों को रोज़गार देना हम लोगों का व्यापारियों का काम है, उसमें हम लोग बिल्कुल बर्बाद होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग रखी है, जो ये सेल लगाने वाले हैं तिब्बत से दो महीने, न ये टैक्स देते हैं कभी, ना कुछ करते हैं, ना स्वच्छता अभियान में इनका भागीदारी रहती है, ना नगर निगम में भागीदारी रहती है, तो इनको यहाँ न लगाने दिया जाए। हम लोगों का विरोध कोई ऐसा नहीं है उनसे, सेल लगा के स्थानीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाना गलत है। दो महीने के लिए सेल लग रही है उनकी, ना कोई टैक्स देते हैं, ना कोई वो करते हैं, और सेल के नाम पे आधा रेट बता के लोगों को लूट के जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नगर निगम क्षेत्र के बाहर लगाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोगों ने यहाँ पे नगर निगम में दिया है, अगर अभी भी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग किसी भी तरह की दुकानें नहीं लगाएंगे। तो फिर आप, हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन मदद करे, हम लोग व्यापारियों की जो मांग रखी गई है वो जो उचित हम लोगों को समय दे, स्थान दे। क्या है ना, हम लोगों को व्यापारी जो छोटे बड़े हैं, बड़े हैं, वो हजारों लाखों रुपये का माल डंप पड़ा हुआ है इनका, तो हम लोग बर्बाद होते जाएँ तो हम लोग टैक्स देने लायक, बिजली बिल देने लायक, या नगर से नगर के स्वच्छता अभियान में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो हम लोगों को बचाया जाए इस चीज़ से। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? बस हम लोग तो विरोध करेंगे और उनको लगने ना देंगे दुकान, हम लोग तो यही विरोध करेंगे।